नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल सोनू रेसिपी हिंदी में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही कम सामग्री में जो आप रेसिपी बना रहे हैं या फिर जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो वो बहुत ही कम सामग्री और बिना कोई आपको अधिक बजट बढ़ा के या मार्केट से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ला के आपको वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं होता है और आपके घर में और आपके किचन में जो भी अवेलेबल होता है उसी से कम मैं तैयार किया जा सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आज हमने बनाया बैंगन का भरता और दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैं हमेशा ही आपको बताता रहता हूँ कि बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बैंगन और दो टमाटर लिए हैं और बैंगन में आपको कुछ इस प्रकार से पहले कट कर लेना है, तीन जगह चीरे लगा लेने हैं और मैं यहाँ पर तीन जगह चीरे लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर तीन जगह चीरे लगा लिए हैं और दोस्तों इसके बाद में मुझे एक कपड़ा लेना है और या फिर आप कुछ कॉटन कुछ भी ले सकते हैं और उसके ऊपर पूरे पे तेल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल है वो इस पर अप्लाई कर देता हूँ और इसी प्रकार में टमाटर है उन पर भी हमें तेल लगा लेना है। और दोस्तों इसके बाद में एक हरी मिर्च लेनी है, जैसे मैंने ये हरी मिर्च ली है और जो यहाँ पे हमने बैंगन के बीच में कट लगा रखा है उस कट के अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि मैं इसके अंदर बैंगन के अंदर इसे फिट कर देता हूँ और आप भी इस प्रकार दबा दें। और मैंने यहाँ पर चार लहसुन की कलियाँ ली है, जो मैं बाकी के दो कट हैं उनके अंदर दो दो कली रख दूँगा। अब हमें इसे गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई हमें तब तक करना है जब तक ये अच्छे से इसकी जो स्किन है वह बिल्कुल काली ना पड़ जाए और ये आप उस अवस्था में ना पहुंच जाए तब तक कि जैसे जो हमारा इस बैंगन के छिलका है वो जल जाए और हमारा जो बैंगन है अच्छे से अंदर से सिक जाए। और इसके बाद में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैंगन है जो अच्छे से सिक रहा है और जैसे ही इस प्रकार आप इसको सेक लें अच्छे से और सिकने के बाद दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ सिक चुका है और अब हम इसे अलग कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों हमें टमाटर है, टमाटर को भी इसी प्रकार इसके ऊपर फ्राई कर लेना है और आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैं फ्राई कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप भी चिमटे की सहायता से इसको पकड़कर आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो टमाटर है और बैंगन है वो ठंडे हो चुके हैं और जितना टाइम इसको ठंडा करने में लगा है तब तक हमने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च लहसुन और अदरक और प्याज को कट करके तैयार कर लिया है। और ये देखिए आप ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद हमारे जो इसके ऊपर जो स्किन है या इसके ऊपर जो छिलका है उसको आपको रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे हो जाते हैं। देखिए रिमूव और रिमूव करने के बाद इसके अंदर से मैंने बैंगन के अंदर से जो लहसुन और मिर्च है वो कुछ इस प्रकार से फ्राई हो चुके हैं, इसके अंदर ही भुन चुके हैं अच्छे से और इसे हमें चाकू की सहायता से या हमाम दस्ते में इसे अच्छे से कूट लेना है या फिर आप कोई भी एक पत्थर लें और उस पत्थर पर भी इसको अच्छे से बांट सकते हैं, रगड़ के मोटा मोटा दरदरा दरदरा इसको रख सकते हैं। इसको मिक्सी में एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार का पेस्ट है जो तैयार करना है और मैंने यहाँ पर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये देखिए बहुत ही शानदार है ये बनकर
रेडी हो चुका है। और अब हमें ले लेना है यहाँ पर एक पैन ले लेना है, और पैन के अंदर यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है, और आप भी यहाँ पर एक चम्मच सरसों का तेल डाल दें। अब हम इसे हल्का सा जैसे गर्म होने लगेगा, और दोस्तों गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर कुछ मसाला है वो तैयार कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अब हम यहाँ पर जीरा ऐड करने वाले हैं। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हल्का, तो हम इसमें जीरा भुनेंगे, और जीरा भुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने कट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इसे अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। और जैसे ही हल्के ब्राउन हो जाएंगे हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है तब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और पारदर्शी ना हो जाए, अपने आप को तेल के साथ अच्छे से मिक्स ना कर लें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा ये है तो ये अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है, और अब हमें इसके अंदर मसाला है नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अगर आप दो बैंगन का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमें यहाँ पर मसालों को पकने के लिए थोड़ा पानी ऐड करना होगा, और पानी से मसाले अच्छे से पक जाते हैं। इसको कंटिन्यू 2 से 3 मिनट में बीच बीच में चलाते रहना है, और हम इसे अधिक ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, और इसके बाद में यहाँ पर जो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने जो पेस्ट तैयार किया है बैंगन का और टमाटर का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वह बहुत ही अच्छा है, और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया है जो ऐड करना है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और अगर आपके पास ये नहीं भी मिलता है, ये बहुत ही कम मिलता है, अगर आपने घर में इसको उगा रखा है तो आप वो डाल सकते हैं, या मार्केट से भी आप लेकर डाल सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाता है। तो ये अब हमारा जो बैंगन का भरता है वह बनकर तैयार हो चुका है, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल सोन रेसिपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको कुछ लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि अच्छा है, डिश अच्छी है, तो उस पर अच्छा कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।